Welcome to Let's Suit everyone, Let's Suit Accountancy. This video is to help you all to understand the career options. जो भी आप करियर में क्या चूज कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं अपने पैशन के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, तो वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे राहुल सर से. राहुल सर हमारे साथ हैं टॉप रैंकर से, और हम जो भी बेहतर सवाल हम पूछ सकते हैं वो सारी चीजें हम पूछेंगे. अगर कोई सवाल छूट रहा हमारे से तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो हम वो सवाल हो सकता है अगले सेशन में हम पूछेंगे. ठीक है सर. थैंक यू केशव सर, आपने अपॉर्चुनिटी दी. यू नो आज के टाइम पे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यू नो करियर्स के ऊपर स्टूडेंट्स को नॉलेज हो, एंड अगर हम ये काम कर रहे हैं तो ये मेरा सौभाग्य है कि आपके थ्रू हम लोग स्टूडेंट्स तक पहुंच रहे हैं किसी न किसी तरीके से. यस सर. थैंक यू फॉर टेकिंग योर टाइम आउट टू ज्वाइन अस सर, एंड वी आर रियली प्रिविलेज्ड टू हैव यू इन आवर सेशन. तो सर हम शुरू करते हैं. जो सवाल मेरे पास है कुछ जो शायद सभी के दिमाग में होते हैं, और ये कुछ चीजें ऐसे भी हैं जो जब मैं अपना 12th कर रहा था या फिर मैं जब 11th 12th के जगह पे था तो उस समय मेरे पास भी ये सारे सवाल थे. तो जब लेकिन उस समय हमारे पास कोई था नहीं जो हमें बता सके, जो हमें गाइड कर सके. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है जब हम पूछेंगे तो शायद जो हमारे वीडियो देख रहे हैं उनको जरूर ये चीजें प्रॉब्लम जो भी हो रहे हैं वो फेस नहीं करेंगे और आसानी से आगे बढ़ पाएंगे. तो सबसे पहला क्वेश्चन है सर, जो स्टूडेंट्स 12th के बाद मेडिकल और इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं बिना कोई सोचे समझे, सिर्फ इसलिए जाना चाहते हैं, शायद उनके पेरेंट्स ने बोला है या फिर फ्रेंड सर्कल जा रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को आप क्या सजेशन देना चाहोगे? देखिए इसमें बहुत हद तक हमारी कमजोरी है, और यू नो कि इंडिया में ही ऐसा क्यों हो रहा है ये चीज हमें थोड़ा सा पहले समझनी होगी और थोड़ा अंदर तक जाना होगा, क्योंकि हम लोग बहुत सारे स्कूल्स में जाके सेमिनार्स करते हैं और ये देखा है. हम पहला क्वेश्चन उनसे ये पूछते हैं कि हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट IIT, तो IIT के ऊपर लगभग 99% बच्चा हाथ ऊपर करता है. हम उनसे उसके बाद क्वेश्चन पूछते हैं कि कैट के बारे में कितने लोगों को पता है, जो कि कैट एग्जाम ग्रेजुएशन के बाद होता है, तो काफी सारा बच्चा सुनता है काफी नहीं सुनता है, लेकिन कैट एग्जाम पॉपुलर है तो 50% तक बच्चा हाथ ऊपर करता है. लेकिन हम उनसे पूछते हैं IIM क्या है, तो इसमें 2-3% बच्चा ही हाथ ऊपर करता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि IIM और IIT लगभग उतने ही पॉपुलर इंस्टीट्यूट होने चाहिए. सो हम लोग जो सर्व कर रहे हैं सोसाइटी को, जो स्टूडेंट्स को पहुंचा रहे हैं, वही चीज वो कर रहे हैं. हमारी सोसाइटी कहती है कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, हमारी सोसाइटी कहती है कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, तो वो डॉक्टर इंजीनियर बनना चाह रहा है. लेकिन सोसाइटी को ये सोचना चाहिए कि आज के टाइम पर स्टूडेंट सबसे अच्छा तब कर सकता है जब वो अपने पैशन से रिलेट करे, अपने वर्क को अपने इंटरेस्ट में जाके काम करे. और न सिर्फ ऐसा है, क्योंकि बाकी कोर्सेज के बारे में उतनी अवेयरनेस ही नहीं है, तो लोग ये सोचते हैं कि शायद उन कोर्सेज में उतना पैसा नहीं है, उतनी रेपुटेशन नहीं है. बिल्कुल ऐसा नहीं है. बहुत सारे कोर्सेस ऐसे हैं जहां पे आप जाके अपना करियर बना सकते हैं और डेफिनेटली उतनी अच्छी जिंदगी जी सकते हैं जितनी एक इंजीनियर जीता है, शायद उससे कहीं गुना बेहतर भी. सो यही मेरी एक एडवाइस है कि आप अपने पैशन को, अपने इंटरेस्ट को पहचाने एंड देन मूव इनटू द करियर दैट इज एक्चुअली मेड फॉर यू गाइस. बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर आंसरिंग सो फ्लुएंटली एंड सो यू नो द वे वी एक्चुअली वांटेड टू हियर. थैंक यू. सो लाइक after knowing this, I would like to understand, sir, then what are the possibilities in management, you know, as a career, if you look into it, what do you think about that? See, management ki bare mein baat chal rahi hai, to management is an evergreen career, and not only evergreen, it's an ever growing career. In fact, India mein hi aisa dekha gaya hai ki agar management ki degree aapko leni hai, to just after, you know, graduation, aap chahe BSc mein pad rahe hain, BCom mein pad rahe hain, majority of BTech स्टूडेंट्स आज के टाइम पे बीटेक करने के बाद एमबीए करते हैं. बट आई वुड सजेस्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डायस कि अगर आपको मैनेजमेंट को ही करियर के फॉर्म में चूज करना है तो व्हाई नॉट टू स्टार्ट इट आफ्टर स्टैंडर्ड 12th. बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसी चीज में पढ़ेंगे, 5 साल पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वहीं पे करेंगे, और आपको बारीकियां पता होंगी, बिजनेस अच्छी तरीके से चला पाएंगे, क्योंकि आपकी एजुकेशन ज्यादा समय तक रही है, इन डेप्थ रही है, डिस्पाइट कि आप किसी और चीज में पढ़ाई कर रहे हैं और बाद में एमबीए जाकर मैनेजमेंट में कर रहे हैं. सो दिस इज वन एडवाइस विच आई वुड बी गिविंग टू दी स्टूडेंट्स. और मैनेजमेंट मैंने जैसे कहा कि एवर ग्रीन करियर है, मतलब आप 18वीं सदी को उठा के देखें या यू नो आज के टाइम के दौर को देखें, हर एक छोटी छोटी फर्म से लेके बड़े से बड़े MNC तक जो लोग ड्राइव कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को, वो है मैनेजर्स.
उनके बलबूते पे इकोनॉमीज आगे बढ़ रही हैं, सही और बात एवर ग्रोइंग इसलिए क्योंकि इकोनॉमीज ग्रो कर रही हैं। तो इकोनॉमीज है। जहां जब जब ग्रो करेंगी तो डेफिनेटली मैनेजर्स का रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगा, एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही हैं तो पोजिशंस भी बढ़ती जाएंगी। सही बात है। अभी जब मैनेजमेंट की बात आई रही है, तो जो आईपीएम जो जिसकी बात हम आगे और भी करेंगे, जो मतलब काफी पॉपुलर होता जा रहा है ना, तो लाइक आप उसके बारे में क्या करेंगे, ऐसे क्यों हो रहा है, और लाइक ये चीजें जो है आईपीएम एज वन ऑफ द बेस्ट कोर्स माना भी जा रहा है आफ्टर 12th, राइट? तो उसके बारे में आप कुछ बताइए ना। ठीक है, आईपीएम अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इट्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। इसकी जर्नी स्टार्ट अच्छा करी थी इंदौर ने 2011 में, और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन द ओके फील्ड ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट इसलिए किया गया, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स एमबीए की स्टडी कर रहे हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, बट इस पर्टिकुलर कोर्स में ये होगा कि आप पहले के 3 साल फाउंडेशन ऑफ मैनेजमेंट को बिल्ड करेंगे और उसके बाद आप एमबीए की डिग्री प्रोवाइड करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैनेजमेंट पढ़ने से पहले आप इतने ट्रेन हो जाते हैं और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने सर पे लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इतनी डाइवर्सिफाइड कोर्स स्ट्रक्चर बनाई गई है जिसमें आप एक क्लास में इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, दूसरे में स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, तीसरे में अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, फिर आर्ट्स रिलेटेड चीजें, फाइन आर्ट्स, ड्रामा, थिएटर, कोडिंग, फॉरेन लैंग्वेज, आपको इतना एक्सपोजर मिलता है जो कि आपको एमबीए के लिए बिल्कुल खड़ा कर देता है। और अच्छा ट्रस्ट मी ऑन दिस, मतलब फाइन, इसको वन ऑफ द फाइनेस्ट कोर्स जिसके नाम से आपने बातचीत छेड़ी थी, ये वाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि ह्यूमन बींग का 360 डिग्री ब्रेन ग्रोथ हो रहा है, जिसकी वजह से ही बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट एम्प्लॉयबल ह्यूमन बींग। तो इसकी इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि इतना डाइवर्सिफाइड कोर्स स्ट्रक्चर है। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू स्टूडेंट्स इंडिया से बाहर किसी यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ रहे हैं, फिर दूसरे केस में रूरल एंगेजमेंट प्रोग्राम में जितना रूरल क्राउड है उनके साथ उनको रहना पड़ रहा है, फिर एनजीओस में जाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, समर इंटर्नशिप में एक अच्छी एमएनसी के साथ काम कर रहे हैं। सो इट्स अ कंप्लीट एक्सपोजर, को करिकुलर एक्टिविटीज के फॉर्म में उनका बेहतरीन एक्सपोजर हो रहा है, टीम वर्क उनको सिखाया जा रहा है। सो इट बिकम्स वन ऑफ द वेरी गुड प्रोग्राम्स टू लुक अप टू आफ्टर स्टैंडर्ड 12th। ओके मतलब काफी इंटरेस्टिंग सा एक फील्ड खुल चुका है। राइट सो लाइक इसके अगर मैं पूछूं कि क्या स्कोप होगा लाइक इस डायरेक्शन में जाने से, तो आपका क्या कहना है? डेफिनेटली, जब स्कोप की बात आती है तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं प्लेसमेंट्स क्या होंगे। स्कोप हालांकि बहुत वाइड टर्म है, अब स्कोप की अगर बात की जाए तो एवरेज प्लेसमेंट्स अगर आईएम्स की बात की जाए जो आईपीएम प्रोग्राम में भी जा रहे हैं, सो इंदौर का प्लेसमेंट समवेयर अराउंड 22 to 24 लाख पिछले 3 4 सालों से गया है। सो सबसे अच्छी बात ये है, बाकी आईएम्स भी प्रशअप कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट्स लाइक आईएफटी, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, इस साल अपना आईपीएम प्रोग्राम लॉन्च कर चुके हैं। नॉट ओनली दैट, हमको ये सुनने में आ रहा है कि आईएम शिलोंग और आईएम अमृतसर जैसे बड़े आईएम्स अगले साल 2023 में अपना आईपीएम प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं। स्कोप की बात की जाए तो ये एक व्हाइट कॉलर जॉब आपको प्रोवाइड कर रहा है एक बड़ी एमएनसी में। नॉट ओनली दैट, आपको एक आईएम का टैग दे रहा है, आईएफटी जैसे बड़े इंस्टीट्यूट का टैग दे रहा है। आफ्टर दैट आपको जॉब सपोर्ट जिंदगी भर मिलेगी, क्योंकि एलुमनाई बेस जो आईएम्स का है वो बहुत स्ट्रांग रहता है, और इनकी इनकी वेबसाइट्स ही अलग होती है इनफैक्ट जॉब्स की भी, क्योंकि व्हाइट कॉलर जॉब है एंड टू दैट पर्टिकुलर लेवल जॉब स्विचिंग में आपको कभी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। आप एक बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग आपको आईएम्स के साथ साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कुछ साल तक अगर आप चाहें, कि बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं कि नहीं हमें जॉब नहीं करना, हमें एंटरप्रेन्योर ही बनना है, सो एंटरप्रेन्योरशिप की भी ट्रेनिंग आपकी इतनी स्ट्रांग हो चुकी होगी आफ्टर कमिंग आउट ऑफ आईआईएम एंड डूइंग अ जॉब फॉर 3 4 5 ईयर्स, व्हाट एवर टाइम यू विश फॉर, यू विल बिकम सीजन्ड पर्सन व्हेन इट कम्स टू रनिंग अ बिजनेस कंप्लीटली। ओके सर, जैसे अभी मान लो मैं सपोज कोई स्टूडेंट आईपीएम में प्रिपेयर करना चाहता है, जैसे कि हम जानते हैं आप टॉप रैंकर्स जो क्या कहते हैं सुपर ग्रेड्स का प्रोग्राम भी चला रहे हैं, राइट? राइट, सुपर ग्रेड्स एग्जैक्टली आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे सुपर ग्रेड्स के बारे में? बिल्कुल बिल्कुल सर। सो सुपर ग्रेड्स का मतलब है सुपर ग्रेजुएशन, जो एब्रीवेटेड टर्म है सुपर ग्रेड्स का, एंड आर पेरेंट कंपनी इज टॉप रैंकर्स, आई एम प्रोडक्ट हेड सुपर ग्रेड्स, और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट इज वन ऑफ द प्रोग्राम्स फॉर विच वी आर एक्चुअली टीचिंग टू द स्टूडेंट्स, एक वन ऑफ द प्रोग्राम है। साथ ही साथ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनपैक, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, सेंट जेवियर्स मुंबई एंट्रेंस टेस्ट, अशोका एप्टीट्यूड टेस्ट,
इस तरीके से तमाम एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि मैनेजमेंट, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मास कॉम, जर्नलिज्म, होटल मैनेजमेंट की जितनी भी एरिना है उनको कैटर करते हाँ हैं. एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जामिनेशन है, स्टूडेंट इन एग्जाम्स को लिख सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड वी प्रिपेयर देम फ्रॉम स्क्रेच टू फिनिश. उसके बाद इंटरव्यू की प्रोसेस होगी, वी प्रिपेयर देम फॉर दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑल्सो, विल हेल्प देम फॉर कॉलेज सिलेक्शन प्रोसेस ऑल्सो. हमारे मेंटर्स यहाँ पे स्टूडेंट्स को मदद करते हैं. सो दिस इज द एंटायर थिंग अबाउट सुपर बैच. सो बेसिकली जो रेगुलर ग्रेजुएशन आप करते ही हैं, तो मतलब दिस इज लाइक अ प्रोफेशनल ग्रेजुएशन काइंड ऑफ थिंग जहां पर आप लोग ट्रेन करते हो. सो सुपर ग्रेजुएशन क्यों टर्म पड़ा, एक बहुत हमने चीज देखी. मेजोरिटी ऑफ दी स्टूडेंट्स पिछले 10-15 सालों से अपने मन की नहीं सुन रहे और उन करियर्स में जा रहे हैं जहां एग्जैक्टली उनका नहीं है. आपने मूवी देखी होगी थ्री इडियट्स, जहां पर क्लियरली शोकेस किया गया है कि आप अपने पैशन और इंटरेस्ट की तरफ आगे बढ़े. इनफैक्ट वहां पे एक कैरेक्टर ऐसा भी है जो आईआईटी जैसा बड़ा एग्जाम पास करने के बाद भी खुश नहीं है उस पर्टिकुलर एग्जाम से और वो एक एनिमल फोटोग्राफर बनना चाहता है. तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि सोसाइटी किस तरफ मुड़ रही है. सो ये प्रॉब्लम न सिर्फ उस स्टूडेंट के साथ है आज के टाइम पर जो कि कुछ एग्जाम क्रॉस नहीं कर पाया, बहुत इंटेलिजेंट नहीं है, बल्कि मैंने जैसे आपको बताया कि वहां पे आईआईटी जेईई पास कर चुका हुआ बच्चा भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है क्योंकि उसको मजा नहीं आएगा इंजीनियरिंग में पढ़ने के लिए. सिर्फ वो इंटेलिजेंट था इसलिए आईआईटी जेईई का एग्जाम निकल गया उसका. सो हमने ये देखा कि अगर स्टूडेंट एक बहुत अच्छे कॉलेज में जाके पढ़ाई कर रहा है, एक अपने चॉइस ऑफ कोर्स में, तो उसकी लाइफ सेट हो जाएगी. और एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जितने भी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है इंडिया के, चाहे वो आईटी जेई हो चाहे वो नीट हो, उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही होता था कि आप एंट्रेंस टेस्ट लिखने के बाद इंडिया के बेस्ट कॉलेज में जाके पढ़ाई करो. लेकिन बाकी सारे कोर्सेस है वहां पर भी यही रूल फॉलो होता है. तो आपकी जो ग्रेजुएशन है, अगर आप अच्छे कॉलेज से पढ़ रहे हैं, वो सुपर ग्रेजुएशन में इसलिए कन्वर्ट हो जाती है क्योंकि आपको वो कॉलेज पुश देगा एक बहुत अल्टीमेट करियर की तरफ. सो यू विल बी मूविंग प्रोग्रेसिवली इन दैट पार्ट. और अगर आप लोकल कॉलेज से अगर पढ़ाई कर रहे हैं, एक ऐसे कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं जो कि आपकी एस्पिरेशन वैल्यू को सूट नहीं करता, देन हो सकता है आप एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो लेकिन वो बीकॉम की वैल्यू ही नहीं रहेगी. अगर आप बीकॉम बहुत अच्छे कॉलेज से कर रहे हैं लाइक एसआरसीसी, तो हो सकता है वो बीटेक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, लेकिन अगर आप नॉर्मल कॉलेज से कर रहे हैं तो वो बीकॉम रह जाता है सिंपली. तो फिर ये सुपर गेट्स आईपीएम के लिए किस तरह से सपोर्टिव होता है, सर किस हम तरीके से लोग ट्रेन करते हैं? सो वी आर ट्रेनिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम स्क्रैच टू फिनिश और फ्रॉम आर्ट टू मैजिक, क्योंकि हम लोग को पता है, हमने फाइनेंस फैकल्टी टीम को हायर किया हुआ है जिन्होंने सालों से स्टूडेंट्स को आईएमए भिजवाया है वाया कैट. पिछले 2 सालों से हम लोग उनको आईपीएम के माध्यम से आईएम्स में पहुंचा रहे हैं. साथ ही साथ सिर्फ फैकल्टी से पूरा का पूरा इकोसिस्टम नहीं ड्राइव कर सक किया जा सकता, हमें ये भी चीज पता है. तो फैकल्टी टीम तो बहुत मजबूत है ही, साथ में जितने हमारे डिलीवरेबल्स हैं, हमने स्टडी मटेरियल जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को दैट रीचेस देयर होम, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हो, लेकिन वो मटेरियल जो 23-24 बुक्स हैं जिसमें, वो उनके घर पे पहुंचता है जिससे वो पढ़ाई करते हैं. साथ ही साथ हमारी मेंटरशिप सपोर्ट हम प्रोवाइड करते हैं, तो हमारे मेंटर्स पूरे परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड को पीछे चेक करके स्टूडेंट से बात करते हैं, उनके अटेंडेंस को चेक करके बात करते हैं, उनको मोटिवेशनल टॉक्स देते हैं, उनको बताते हैं कि आप कहाँ गलत जा रहे हो, किस तरीके से आगे बढ़ना है. इंटरव्यू क्लास, इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मैनेजमेंट के फील्ड में या फिर बाकी फील्ड जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, क्योंकि पर्सनालिटी को जज किया जाता है. तो हम लोग इंटरव्यू क्लासेस फ्रॉम डे वन, वी आर कंडक्टिंग इंटरव्यू क्लासेस हम कंडक्ट करवाते हैं जिसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाती है स्टूडेंट्स को. साथ ही साथ फाइनली वी आर टेकिंग वन ऑन वन मॉक इंटरव्यूज. द स्टोरी डजंट एंड ओवर हियर, सो वी आर गिविंग सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ द कॉलेज सिलेक्शन प्रोसेस, क्योंकि एट द एंड बहुत बार हमने देखा है स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स लेके आना उनको आता है लेकिन किस कॉलेज में जाना है किस में नहीं ये उनको आइडिया ही नहीं होती क्योंकि इतने सारे कॉलेजेस उन्होंने अप्लाई किए होते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पिछले साल के टॉपर्स आकर स्टूडेंट से मुखातिब होते हैं, वो अपनी जर्नी पूरी बताते हैं उनको और टॉपर सेशन में उनसे बताया जाता है कि क्या उन्होंने प्रॉब्लम्स फेस करी जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप नहीं फेस करें. सो ये एक पूरा 360 डिग्री इकोसिस्टम है जो आपको डेफिनेटली हर तरीके से मदद करेगा. एंड आई एम क्वाइट श्योर सुपर ग्रेड्स आज के टाइम पर, जो 2 सालों में जो पॉपुलैरिटी सुपर ग्रेड्स की आई है, उसके पीछे हमारा 100% कमिटमेंट लेवल टुवर्ड स्टूडेंट रहा है. बढ़िया है सर. इसे फिर इसी लाइन में आगे बढ़ते हुए, सपोज मान लो कोई स्टूडेंट जिन्हें ग्रेजुएशन किया है मैनेजमेंट से,
ओके, लेकिन उन्हें पीजी करना है आईएम, भले कोई भी आईएम से, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आप क्या सजेशन दोगे? आप मैनेजमेंट आईपीएम प्रोग्राम में एक एग्जिट ऑप्शन रहता है आफ्टर 3 इयर्स। सो आप चाहें तो, अगर आप आईपीएम अभी पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आईएम बोध गया से, लेकिन आफ्टर 3 इयर्स आप चाहते हैं कि आप अपग्रेड करें खुद को, तो कैट लिखकर आप आईएम अहमदाबाद भी जा सकते हैं, या फिर आप रेगुलर बीबीए बीएमएस कोर्स कर सकते हैं एक बहुत ही शानदार कॉलेज से, जो कि आपको एक नेक्स्ट लेवल ग्रोथ देगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा, एक कॉलेज है दिल्ली में, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, जिसको आईआईएम्स के एट पार, इनफैक्ट कुछ आईआईएम्स के ऊपर भी माना जाता है, रैंक किया जाता है, और कहा जाता है कि आईआईएम अहमदाबाद का सबसे बड़ा सप्लायर, एक वर्ड हम सप्लायर यूज करते हैं, रहा है स्टूडेंट्स का, वो है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज एज पर वन ऑफ द रिपोर्ट्स। सो इस तरीके के बहुत बेहतरीन कॉलेजेस हैं। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी डाउन साउथ बैंगलोर की बहुत ही जानी मानी यूनिवर्सिटी है, नारसी मुंजी बॉम्बे का एक बहुत ही जाना माना नाम, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, सेंट जेवियर्स मुंबई एक जाना माना नाम, सिम्बायोसिस, इन कॉलेजेस में आप जाके पढ़ाई करेंगे, और 3 ईयर का बीबीए या बीएमएस प्रोग्राम, जो भी डिग्री वो प्रोवाइड कर रहे हैं, आप अगर ऐसी डिग्रीज में जाते हैं और उसके बाद एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो आपके चांसेस हायर एजुकेशन के स्ट्रांग होते हैं। नॉट ओनली दैट, ग्रेजुएशन के बाद भी आपको काफी सारे कॉलेजेस प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज देते हैं। शहीद सुखदेव कॉलेज का तो मैं स्पेशल जिक्र करना चाहूंगा, बहुत कम फीस होने के बावजूद 100% प्लेसमेंट, और 9.5 लाख तक का एवरेज प्लेसमेंट उसने पिछले साल तक दिया है, जस्ट ग्रेजुएशन के बाद, जो कि मेजोरिटी ऑफ द कॉलेजेस नहीं देते इंडिया में। ओके, ग्रेट ग्रेट। अगर मैं आईपीएम की बात करूं, बहुत सारे कॉलेज जो है ये प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं, ठीक है, और बहुत सारे आईएम्स ने भी जो है इसको इंटीग्रेट करना शुरू किया है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका पॉपुलैरिटी इतना क्यों बढ़ रहा है? आपको क्या लग रहा है? उसके पीछे है ना एक पॉलिसी है जो कि हर स्टूडेंट को पता है, जिसका नाम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक जिक्र था, एक क्लॉज था, जिसमें ये लिखा गया था कि आने वाले दौर में इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स को बढ़ावा देना पड़ेगा एजुकेशन सिस्टम में। तो आप चीज देख रहे हैं कि मैनेजमेंट में, क्योंकि आईआईएम इंदौर ने 2011 में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया, तो उसकी सफलता हुई, फिर बाकी इंस्टीट्यूट्स भी इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को इनकैश करना चाह रहे हैं। तो साल दर साल हम देख रहे हैं 20 21 22 हर साल आईएम्स हुए, नॉन आईएम्स हुए, बड़े इंस्टीट्यूट्स, लाइक अभी इस साल एनएफएसयू ने लॉन्च किया, जो कि एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है। पिछले साल लालसर ने, जो कि एक बहुत बड़ी लॉ यूनिवर्सिटी है, इन्होंने अपना आईपीएम प्रोग्राम लॉन्च किया। तो आप देखेंगे आने वाले सालों में भी और इंस्टीट्यूट्स अपना आईपीएम प्रोग्राम लॉन्च करेंगे, क्योंकि एक ट्राइड एंड टेस्टेड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, और आने वाला दौर ही इंटीग्रेटेड हायर एजुकेशन में जा रहा है। तो आईपीएम एक टाइम पे पोस्ट ग्रेजुएशन को कंप्लीटली ओवर पार कर देगा। अच्छा, तो फिर सुपर गेट्स अब कौन कौन से चीजों को या कौन कौन से एंट्रेंसेस को पढ़ाता है? आप लोग क्या, आपका स्पेशलिटी क्या है फिर उन मामलों में? इंटीग्रेटेड प्रोग्राम तो हमने एक चीज बात करी, साथ साथ स्टूडेंट्स को हम प्रिपेयर करवाते हैं कुछ ऐसे मैनेजमेंट एंट्रेंसेस के लिए जो कि एप्टीट्यूड बेस्ड ही है, और वो काफी अच्छे कॉलेजेस में आपको एंट्री दे सकते हैं। तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसके थ्रू आप शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज में जा सकते हैं, या फिर जिसके थ्रू दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में जा सकते हैं। नॉन मैनेजमेंट को कॉलेजेस को भी आप टारगेट कर सकते हैं, लाइक श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, लाइक लेडी श्रीराम कॉलेज, लाइक मिरिंडा हाउस, जो एनआईएफ के नंबर वन कॉलेजेस में से कुछ है। उसके साथ साथ आपको हम लोग प्रिपेयर करवाते हैं फॉर द एंट्रेंसेस, लाइक सेंट जेवियर्स मुंबई एंट्रेंस टेस्ट हम प्रिपेयर करवाते हैं आपको, नारसी मुंजी का एनपैट, नारसी मुंजी प्रोग्राम्स आफ्टर 12th, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट। नॉन मैनेजमेंट में भी अगर अपन देखना चाहें, तो ये जो यूनिवर्सिटीज हैं वो आपको न्यूमरस अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए एंट्रेंसेस देती हैं वाई द सेम कोर्स। ओके, सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी क्रूशियल, आई शुड टेल यू। इन सारे एंट्रेंसेस के लिए अलॉन्ग विद इट वी प्रिपेयर यू फॉर एनसीएचएम जेडब्ल्यूई, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ होटल मैनेजमेंट। वी ऑल्सो प्रिपेयर यू फॉर ऑल दी एंट्रेंसेस जो आप 12th के बाद एडवांस करियर्स आफ्टर 12th में देख सकते हैं खुद के लिए, और डेफिनेटली उनकी लेवल या किसी की बहुत ज्यादा होगी, या कुछ टॉप नॉच कॉलेजेस ही होंगे, उनसे नीचे कोई नहीं होगा। ओके, फिर उन उन स्टूडेंट्स को आप क्या सजेस्ट करें करना चाहेंगे जो इकोनॉमिक्स या कॉमर्स में आफ्टर 12th कुछ अपना कोर्सेस करना चाहते हैं या एस्पायरिंग है उन चीजों में जाने के लिए? हम उनको सजेशंस देते हैं कि सबसे पहले तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को गढ़ माना जाता है कॉमन कॉमर्स और इकोनॉमिक्स का, सबसे पहले टारगेट अपना
दिल्ली यूनिवर्सिटी रखे हैं, जिसमें मैं जैसे आपसे बात कर रहा था पिछले क्वेश्चन में, SRCC, लेडी श्री राम, बहुत ही जाने माने नाम है, सेंट स्टीफन्स इंडिया का सबसे जाना माना नाम इकोनॉमिक्स के नाम में, मिरिंडा हाउस, ये कॉलेजेस में आप जाके पढ़ाई करें, और इसके लिए आपको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लिखना पड़ेगा। साथ ही साथ डाउन साउथ यूनिवर्सिटी बैंगलोर में, कॉमन क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, आप देखेंगे आप इंडिया टुडे उठा के देख लें, द वीक उठा के देख लें, या फिर NIRF रैंकिंग्स चेक कर लें। इस यूनिवर्सिटी में हमेशा हर अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो मास कॉम हो, जो भी आप कोर्स आप उठा के देख लें, वो बहुत पॉपुलर रहता है। नारसी मुंजी के दो बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, अनिल सुरेंद्र मोदी स्कूल ऑफ कॉमर्स और सरला अनिल मोदी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जहां पे आप जाकर NPET लिखने के बाद पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये कुछ कॉलेजेस हैं जिनको आपको डेफिनेटली टारगेट करना चाहिए कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के लिए आफ्टर स्टैंडर्ड 12th। दो साल पहले मैं भी 11th 12th और इंजीनियरिंग को ही पढ़ाता था, मैं मैथ्स पढ़ाता था। लेकिन जब मैं कॉमर्स स्टूडेंट्स को पढ़ाता था तो मतलब ऑब्वियसली जब साइंस स्टूडेंट्स को पढ़ाता था तो वो लोग इंजीनियरिंग के तरफ ज्यादा उनका फोकस रहता है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो हमको मास्टर्स करके PhD की तरफ जाना होता है। लेकिन जब मैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स की बात करता था तो वो लोग एक करियर को ज्यादा मतलब अहमियत दे रहे थे, अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स। उनका ऑब्वियसली दूसरी चीजें भी है, लेकिन होटल मैनेजमेंट एक चीज है जो वो काफी सारे लोग उसमें इंटरेस्टेड है। तो उसके बारे में आप क्या राय देना चाहेंगे अपना? होटल मैनेजमेंट की बात स्टार्ट करने से पहले हम IPM का जिक्र कर रहे थे थोड़ी देर पहले, मैं एक चीज बताना भूल गया था, वो भी चीज बता दूं। आप बात कर रहे थे कि IPM की सबसे बड़ी खास बात एक और है कि एक्सट्रीम न्यूट्रल कोर्स है। अगर आप आर्ट्स में पढ़ रहे हैं, आप साइंस में पढ़ रहे हैं, आप कॉमर्स में पढ़ रहे हैं, आप डेफिनेटली IPM के लिए अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कॉलेज के लिए, और आप जा सकते हैं। अब बात करते हैं होटल मैनेजमेंट की। होटल मैनेजमेंट का की सबसे अच्छी बात यह है कि न्यू एज करियर के फॉर्म में उभरते कर ऊपर आ रहा है आज के दौर में। बड़ी बड़ी होटल्स, चाहे वो हयात हो, चाहे वो आप लेमन ट्री देख लें, या फिर सिट्रस देख लें, या फिर आप ताज देख लें, आप ट्राइडेंट देख लें, जितनी होटल्स हैं उन्होंने खूब सारे अपने ब्रांचेस खोले हुए हैं और आप वहां पे जाके काम कर सकते हैं। बट 10-15 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन एक चीज बहुत अच्छी थी इंडिया में, एजुकेशन यहाँ पर तब भी बहुत मुकम्मल था, क्योंकि NCHM, नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, NCHMCT, एक काउंसिल है जिसका एस्टेब्लिशमेंट किया था उस पॉइंट ऑफ टाइम में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने 1982 में, एंड तब से लेकर अब तक NCHMJEE, एक एंट्रेंस टेस्ट होता है यहाँ पर, और इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जितने भी हैं इंडिया में वो पढ़ाते हैं, और कुछ इंस्टीट्यूट बहुत पॉपुलर हैं विश्व स्तर पर। भारत में तो उनकी पॉपुलरिटी बहुत स्ट्रांग है ही, जैसे कि आप दिल्ली का पूसा कैंपस हो गया IHM का, या मुंबई हो गया, या जितने भी मेट्रोस हैं, चाहे वो चेन्नई है, चाहे वो हैदराबाद है, चाहे वो बैंगलोर है, आप वहां पे अगर जाके पढ़ाई कर रहे हैं, देन ट्रस्ट मी गाइस, आपको बहुत अच्छा प्लेसमेंट्स भी मिलते हैं, और आप अपने हॉस्पिटैलिटी में कहा जाता है कि भारतीय जो है बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आप हॉस्पिटेबल हैं और आप होटल मैनेजमेंट में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये NCHMJEE का एग्जाम जरूर लिखिए। एक छोटा सा तथ्य और मैं शेयर करना चाहूंगा, पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो गल्फ में आप चले जाएं, चाहे ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, चाहे स्विट्जरलैंड चले जाएं, चाहे आप मतलब स्विट्जरलैंड मतलब पूरा यूरोप चले जाएं, इंडियंस और श्रीलंकन्स जितने ज्यादा रेस्टोरेंट्स चलाते हैं और कोई नहीं चलाता है, तो पिछले 15 साल से ये चलन था। आप पढ़ रहे हैं IHM से, आप चले जाते हैं आउट ऑफ इंडिया, और आउट ऑफ इंडिया जाकर आप वहां पे बहुत अच्छी तरीके से कमा रहे हैं। आज के टाइम में आप इंडिया में भी अपना करियर बना सकते हैं होटल मैनेजमेंट में, और बाहर भी जा सकते हैं। ओके थैंक्स सर। अगर मान लो ये जो जॉनरा है, ये होटल मैनेजमेंट को छोड़ के अगर दूसरा भी कुछ ऐसे करियर की बात करें, जैसे PR हो गए, जर्नलिज्म हो गए, है ना, और अगर हम बात करें एडवर्टाइजिंग की, तो ये भी ऐसे कुछ करियर से जो काफी फेमस माना जाता है। भले कम लोग इसके बारे में ज्यादा जांच पड़ताल करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों, मतलब क्या चीज है इसमें? देखिए, जिन करियर्स के बारे में आप आज बात कर रहे हैं सर, वो आने वाले दौर के सबसे बेहतरीन करियर्स में से एक होने वाले हैं। ये न्यू एज करियर्स हैं। एडवर्टाइजिंग की दुनिया आप आज उठाएं, PR की दुनिया उठाएं, या फिर जर्नलिज्म की आप जो बात कर रहे हैं। अब न्यू एज करियर में क्या से एग्जैक्ट मेरा मतलब क्या है, ये एक ऐसा करियर है जिसमें ग्रोथ और स्कोप हमेशा रहेगा। और जितने स्टूडेंट्स जो क्रिएटिव रहते हैं, हम उनसे कहते हैं अगर आप कुछ और पढ़ रहे हो और इन तीनों फील्ड्स पे नहीं जा रहे हो, तो
इससे बड़ी बेवकूफी कोई हो नहीं सकती, क्योंकि उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये करियर्स की ग्रोथ पिछले 15 सालों में हुई है और आने वाले दौर में भी होगी। उसके पीछे स्पेसिफिक रीजंस हैं। आप देखिए, 15 साल में वाईफाई की ग्रोथ आई, पिछले 10-15 सालों में आपने देखा जितने टेलीविजन चैनल्स थे, पहले एक दौर में दौर ऐसा था जब लेट 90s में आज तक एक सिर्फ टीवी शो था जो आज एक चैनल बन गया है, और आज तक वो कम्पीट करने वाले 100 और चैनल्स हैं जहां जर्नलिज्म की जरूरत है। न्यूज़पेपर्स अथाह भरे पड़े हैं। नॉट ओनली दैट, एक नया एज करियर का एक और आया जिसका नाम है PR, पब्लिक रिलेशंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता पब्लिक रिलेशंस क्या है, लेकिन हर हर दिन वो PR के थ्रू गुजरते हैं। व्हाट्सएप पे आपके पास एड्स आ रही हैं, पोस्ट आ रही है बीजेपी पार्टी के लिए या फिर किसी एक्टर के लिए, किसी फर्म के लिए, तो वो रिलेशनशिप बिल्डिंग हो रही है एग्जैक्टली। या इंस्टाग्राम पे आपके पास कोई पोस्ट आ रही है तो PR फर्म्स उनके लिए काम कर रही हैं, लेकिन क्योंकि इतनी डाइवर्सिफाइड फील्ड है पब्लिक इमेज बढ़ाने वाली आज के टाइम पर कि बस नहीं। एडवर्टाइजिंग बेहतरीन करियर ऑप्शन, बेहतरीन और बहुत हाईली पेड करियर ऑप्शन। आप मुझे याद आ रहा है यहाँ पर कैडबरी का मैं जिक्र करना चाहूंगा, जहां पे वो एक लड़का ऊपर चलता है, लड़की नीचे चलती है, और वो सिर्फ एक छाता ऊपर पकड़ के चलता है। इस एक थॉट ने घर घर तक आज सिल्क को पहुंचाया है। अगर कुछ मीठा हो जाए वाले थॉट ने जितने सेलिब्रेशंस है उसने स्वीट्स को रिप्लेस करवा दिया। आप देखेंगे आज राखी के टाइम पर या फिर दिवाली के टाइम पे लोग चॉकलेट के डब्बे लेके जा रहे हैं, सिर्फ वो एक सिंपल सी एडवर्टाइजिंग के किसी के दिमाग में वो थॉट आया होगा, ये कंसेप्ट आया होगा, वो इतना आज कारगर रूप में काम कर रहा है। नॉट ओनली फॉर कैडबरी, फॉर ऑल दी अदर थिंग्स। तो O&M, DBB मुद्रा ग्रुप, लिंटास, फैंटास्टिक फर्म्स टू वर्क फॉर। एंड इनफैक्ट अगर काफी सारे स्टूडेंट्स ने थिंकिस्तान वेब सीरीज देखी हो तो किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट में काम होता है वो भी सीख पाएंगे। ओके, थैंक यू। अगला सवाल मुझे ये पूछना था कि जो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो फाइनेंस में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे, कौन से कोर्सेज सजेस्ट करना चाहोगे? फाइनेंस में यूजुअली स्टूडेंट्स का एक अप्रोच रहता है कि वो मास्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स करना चाहते हैं, सो BBA एंड MBA, या फिर MBA जब फाइनली आफ्टर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं वहां पर जाकर, तो BCom करने के बाद MBA कर लिया या फिर BBA करने के बाद MBA कर लिया, और फाइनेंस उनका आखिरी में लास्ट ईयर में स्पेशलाइजेशन रहता है। लेकिन कुछ और भी कोर्सेस हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर हो सकते हैं, डे वन से आपको फाइनेंस पढ़ा सकते हैं। सो एक कोर्स चलाता है शहीद सुखदेव कॉलेज, बहुत ही पॉपुलर कॉलेज जिसका मैंने जिक्र पहले भी किया। उस कोर्स का नाम है BBA FIA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। तो फैंटास्टिक कोर्स, आप इस कोर्स के तरफ बिल्कुल बढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी प्लेसमेंट ऑलरेडी दे ही रहा है कॉलेज। इसके अलावा आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू टू लुक अप टू द न्यू एज कोर्स दैट इज फिनटेक। फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी का मेल है आज के टाइम, हर जैसे मैंने बात करी PR लोगों को पता नहीं होता लेकिन हर रोज वो यूज कर रहे हैं, ऐसी फिनटेक आप लोग यूज कर रहे हैं, पेटीएम, रेजर पे, मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन हर कोई यूज कर रहा है। पिछले 4 सालों में इस पर्टिकुलर करियर की ग्रोथ हुई है, पहले डिमोनेटाइजेशन की वजह से हुई, फिर उस पे सोने पे सुहागा बन गया आपका कोविड। मतलब आप देखिए इन चीजों से ग्रोथ हो सकती है किसी करियर की, कभी किसी ने सोचा ना था। सो बहुत अच्छा करियर ऑप्शन ये भी है, आप यहाँ पर भी डेफिनेटली अपनी लक ट्राई कर सकते हैं। सर फिर जब हम यहाँ से अगर आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल ये है कि मुझे, मेरे पास कुछ लिस्ट है, लाइक मुझे आप सजेस्ट कीजिए कौन से टॉप कॉलेजेस होंगे इन फील्ड्स में, लाइक मैनेजमेंट हो गया, इकोनॉमिक्स हो गए, कॉमर्स हो गए, साइकोलॉजी, लिबरल आर्ट्स, वन बाय वन करके लेते हैं। सर आपने काफी सारे नाम ले लिए, सबसे पहले आपने शायद मैनेजमेंट कहा था, राइट? सो मैनेजमेंट में 100% आई एम इंदौर, आप 12th के बाद IPM एप्टीट्यूड टेस्ट इंदौर लिखिए, साथ साथ शहीद सुखदेव मेरी तरफ से एक चांस रहेगा। IFT आज के टाइम पर अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस में जाना चाहते हैं तो IFT ने भी अपना IPM प्रोग्राम चालू किया है। ये 3 colleges मैं सजेस्ट करूंगा। सेकंड आपने कहा कॉमर्स, राइट? इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में आप मेरा फेवरेट, पर्सनल फेवरेट सेंट स्टीफन्स है दिल्ली का, लेकिन अगर आप आज चेक करेंगे तो SRCC सबसे पॉपुलर कॉलेजेस में से एक है इकोनॉमिक्स का। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी को गढ़ माना जाता है, मैंने जैसे कहा इकोनॉमिक्स के लिए भी, तो ये 2 colleges आप डेफिनेटली चूज कर सकते हैं। ये उसके बाद कॉमर्स, मैंने कॉमर्स तो फैंटास्टिक, SRCC से अच्छा कोई कॉलेज पूरे इंडिया में नहीं है। लेडी श्रीराम अगर आप गर्ल स्टूडेंट हैं तो
काइंस यूनिवर्सिटी बैंगलोर भी चेक कर सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा, वो भी आपके लिए काफी एक अच्छा ऑप्शन है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेजेस कॉमर्स के लिए बहुत पॉपुलर है जो जो वो कोर्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक, इसके बाद अगला है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के बारे में साइकोलॉजी, बताइए। साइकोलॉजी के खूब सारे कॉलेजेस हैं। सेंट जेवियर्स मुंबई बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा साइकोलॉजी के लिए। इसके अलावा क्राइस्ट यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। एक कॉलेज बहुत पॉपुलर है साइकोलॉजी का, डाउन साउथ बैंगलोर IIPR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी एंड रिसर्च, 2014 में स्टेब्लिश हुआ, लेकिन आने वाले दौर में सबसे पॉपुलर कॉलेज होने वाला है क्योंकि साइकोलॉजी पे ही कंसंट्रेटेड रहता है। तो वो कॉलेज आप डेफिनेटली चूज कर सकते हैं। और मेरे लिस्ट में आखिरी सब्जेक्ट है लिबरल आर्ट्स। लिबरल आर्ट्स आज के दौर का नया कोर्स और फैंटास्टिक, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्सेज रहते हैं आर्ट्स के, और ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग अप्रोच को बढ़ाता है। जिन स्टूडेंट्स को लिबरल आर्ट्स के बारे में नहीं पता, तो अगर आप सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं, ह्यूमैनिटीज के, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, या लिबरल आर्ट्स में जाकर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो एक यूनिवर्सिटी है सोनीपत हरियाणा में जिसका नाम है अशोका यूनिवर्सिटी, डेफिनेटली आप उसको ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा नारसी मुंजी फैंटेस्टिक ऑप्शन, वहां पे भी लिबरल आर्ट्स के लिए बनता है। सिम्बायोसिस एक अच्छा ऑप्शन बनता है यहाँ पर। थोड़ा आर्ट रिलेटेड मैं और कॉलेजेस बता देता हूँ, क्योंकि अगर लिबरल आर्ट्स में नहीं जाना चाहते तो IIT मद्रास एक एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाता है, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो 52 सीट्स ही है उसमें, इंटीग्रेटेड MA प्रोग्राम प्रोवाइड करता है। तो देखिए IIT मद्रास आर्ट्स का सबसे पॉपुलर कॉलेजेस में से एक है खूब सारे सालों से, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीज भी नहीं पता होती। बिल्कुल, मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी अभी जस्ट पता चला है। अगला सवाल मुझे ये पूछना था कि ऐसे कौन सा एंट्रेंस है जो स्टूडेंट्स को लिखनी चाहिए 12th के बाद, और वो उसको कैसे प्लान कर रहे हैं। जनरली प्लानिंग में बहुत गड़बड़ हो जाती है, और सबसे पहले तो उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होता है कौन सा एंट्रेंस दे, उसको अगर डिसाइड करने के बाद कैसे प्लान करें, इसमें काफी लैग कर जाते हैं, तो इस पर आप अपना राय देना चाहेंगे। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये है कि एंट्रेंस टेस्ट कौन सा लिखना है 12th के बाद, वो किससे आएगा, आप अपने कोर्स जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं उसके बारे में आप पता करें। डेफिनेटली आपको अगर ये पता लग जाता है कि दिस इज अ कोर्स एग्जैक्टली मेड फॉर मी, हमने इतने सारे करियर्स के बारे में आज हमने बात चर्चा करी है, कुछ करियर्स ने डेफिनेटली आपको एक्साइट किया होगा, उनसे रिलेटेड एंट्रेंसेस जो भी है वो आपको जरूर लिखना है। लेकिन अगर आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि यार मेरा तो कोर्स मैनेजमेंट नहीं है, मैं हो सकता है मैनेजमेंट कॉमर्स इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हो, तीनों का हूं, किसी में भी जा सकता हूं, नो इश्यूज, वो आपकी एक कैटेगरी है जिसमें आप परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप मैनेजमेंट में भी कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स में भी कर सकते हैं। लेकिन इन तीनों कोर्सेस का बेस्ट कॉलेज कौन सा है, उन तीनों को मतलब उन 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 कॉलेजेस को टारगेट करें, उनके जितने एंट्रेंसेस हैं वो लिखें, एंड देन फाइनली गो इन टू द वन विच सूट्स यू द बेस्ट, जो आपकी रिजल्ट को सूट करता है, जो आपकी परफॉर्मेंस को सूट करता है। बढ़िया है। और अभी मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो फेमस होगा शायद सभी के लिए, कि एक स्टूडेंट अपने लिए करियर चूज कैसे करेगा, कैसे चूज करना चाहिए। आई थिंक ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि गिफ्ट के फॉर्म में स्टूडेंट्स को इसका आंसर रहेगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को चाहें तो पॉज कर सकते हैं और पेन और पैड ले सकते हैं, और उनके लिए एक स्टेप बाय स्टेप 5 स्टेप प्रोसेस या 4 स्टेप प्रोसेस है ये, मैं बताता हूँ। हम जिक्र कर रहे थे होटल मैनेजमेंट का, तो उसमें एक ट्रेड चाहिए था हॉस्पिटैलिटी। ऐसे ही अगर हम जिक्र करें जर्नलिज्म का, तो उसमें एक ट्रेड चाहिए मास कॉम या कम्युनिकेशन स्किल सेट्स। ऐसे है ना, किसी भी करियर में खूब सारे स्किल सेट्स चाहिए और ट्रेड्स चाहिए। तो सिर्फ होटल मैनेजमेंट को उठा के देखते हैं, होटल मैनेजमेंट में सिर्फ हॉस्पिटैलिटी नहीं बल्कि डेडिकेशन भी बहुत चाहिए, ऑर्डर वर्किंग्स भी बहुत चाहिए। ठीक है, ऐसे कर कर खूब सारे चीजें चाहिए। अगर आपको ना पता हो उस पर्टिकुलर करियर में कौन कौन से ट्रेड्स की रिक्वायरमेंट है या स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, तब गूगल कर सकते हैं। तो स्टेप 1 में जो करियर आपको अभी ल्योर कर रहा है, एक्साइट कर रहा है, या 2-3 करियर्स हैं, उन उनके द रिक्वायर्ड ट्रेड्स फॉर दोज करियर्स, आपके अंदर कौन कौन से ट्रेड्स होने चाहिए। स्टेप 2 में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, हु एम आई, द एक्सरसाइज इज कॉल्ड हु एम आई। और सिंपल तरीका है, अपनी 5 या एक काम करिए 7 स्ट्रेंथ्स 7 वीकनेसेस लिख लीजिए। स्टेप 3 में जो स्टेप 1 एंड स्टेप 2 था, द ट्रेड्स रिक्वायर्ड इन दैट पर्टिकुलर करियर, एंड जो आपकी हु एम आई है स्टेप 2, इन दोनों की मैपिंग होनी है। अब मैपिंग कैसे होनी है मैं बताता हूं आपको। कुछ स्ट्रेंथ्स ऐसी होंगी जो कि उन स्किल्स से मैच कर रही होंगी, कुछ स्ट्रेंथ्स ऐसी होंगी जो कि आपके अंदर अभी भी नहीं है,
कुछ वीकनेसेस ऐसी होंगी जिसको आपको ओवरकम करना होगा, और कुछ वीकनेसेस ऐसी हैं जिनका उनसे कोई लेना देना नहीं है। सो अपने आप से एक वाजिब क्वेश्चन पूछेगा कि क्या वो मैं स्ट्रेंथ्स डेवलप कर सकता हूं जब तक वो करियर में मैं पहुंच जाता हूं, क्या वो वीकनेसेस पे ओवरकम कर पाऊंगा या पाऊंगी जब तक मैं उस करियर में पहुंच जाऊंगा। अब कैसे, मैं बहुत इसका एग्जाम्पल दे देता हूँ, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पंक्चुअल नहीं होते हैं, 10 बजे का टाइम है, 10:30 तक पहुंचेंगे, 10:15 तक पहुंचेंगे, बट इफ यू यू नो आज ठान लो आप और 21 दिन तक प्रैक्टिस करते रहो तो हो सकता है आप पंक्चुअल बन जाए, बिल्कुल आप पंक्चुअल बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए यू नो कल से आपको गाना गाना है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है अगर आपके सुरताल सही नहीं है। तो ये क्वेश्चन अगर आपने पूछ लिया तो स्टेप 4 में आप अपना करियर चूज कर सकते हैं, एंड इस कोर्स में, इस करियर में जहां पे आपको जाके पढ़ना है, इसमें बेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं वो जॉट डाउन कर लीजिए, रिलेटेड एंट्रेंसेस लिखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके, एंड देन फाइनली गेट इनसाइड दी कॉलेज टू मेक योर ग्रेजुएशन इनटू सुपर ग्रेजुएशन, बाकी करियर आपका ऑलमोस्ट सेट हो जाएगा हमेशा के लिए। तो जैसे मतलब फिर ऐसे तो फिर आपका जो भी प्रोडक्ट है जहां पर आप या फिर आपका जो भी सिस्टम है, जो भी आप एंट्रेंसेस पढ़ा रहे हैं, तो आपके पास ऐसे कौन कौन से क्रैश कोर्सेस हैं जो 12th के बाद किया जा सकता है और मतलब वी कैसे हैव, यूजफुल भी होंगे हाँ स्टूडेंट्स के लिए? बिल्कुल, हम लोग एप्टीट्यूड बेस्ड सारे एंट्रेंस की प्रिपरेशन कराते हैं। सो वो चाहे आईपीएम हो, चाहे वो होटल मैनेजमेंट हो, चाहे आप कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, या फिर आर्ट साइड जितने एंट्रेंसेस की बात हुई हमारी, जो एनपैट है या क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है या जो मल्टी डिसिप्लिन यूनिवर्सिटीज है, आप सारी प्रिपरेशन हमारे साथ कर सकते हैं डेफिनेटली। और ये क्रैश कोर्सेस आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। हमारे पास ईयर लॉन्ग कोर्सेज भी हैं 2023 स्टूडेंट्स के लिए, बहुत जल्दी हम 2 ईयर्स 2024 प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए भी हम लोग कोर्सेज लॉन्च करने वाले हैं। आप चेक कर सकते हैं www.toprankers.com पे, वहां पे जाकर आप डेमो क्लासेस चेक करिए और पहले ये देखिए कि क्या हम आपके लिए सही है या नहीं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चीज है। आप फैकल्टी टीम आपको पढ़ाएगी डेमो क्लासेस में, लाइव क्लासेस भी रहेंगी, सेल्फ पेस भी रह सकती हैं। जिन कोर्सेज को आप परचेस करना चाहते हैं उसके उसको पूरी तरीके से एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, डेमो क्लासेस ले लीजिए, देन यू कैन एक्चुअली कम परचेज दैट पर्टिकुलर कोर्स। सर मेरे पास जो जो क्वेश्चंस थे मैंने सारे पूछ लिए हैं, और जो मेरे पास क्वेश्चंस लोगों लोग पूछ रहे थे या फिर मुझे पूछना था, मैंने सारा लिस्ट जो भी था मैंने आपसे पूछ लिया। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द आंसर्स, आपने काफी पेशेंस के साथ सारा जवाब दिया थैंक और यू काफी पेशेंस सर, ये इंफॉर्मेटिव था। अपॉर्चुनिटी देने के लिए। इनफैक्ट बहुत जरूरी था स्टूडेंट्स को ये मार्गदर्शन, बहुत जरूरी है कि यू नो जिन करियर्स में आप जाना चाहते हो और जा नहीं पा रहे उसके पीछे रीजन क्या है, शायद अनअवेयरनेस। और जब ये अनअवेयरनेस ब्रेक होगी और ये चेन ऑफ अनअवेयरनेस ब्रेक होगी, देन यू नो वी आर गोइंग टू बिकम बेटर सिटीजन। शायद यही इसी उद्देश्य के साथ 3 इडियट्स नाम की एक मूवी भी रिलीज हुई थी, बट वो अभी भी पूरी तरीके से फुलफिल नहीं हो पाया। बिल्कुल बिल्कुल, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके राहुल सर। सेम यार, थैंक यू सेम वेरी मच यार, फॉर गिविंग योर टाइम, थैंक एंड यू, आई होप वी विल कम अप विद सम मोर क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम एंड वी विल श्योर, आंसर दोस थिंग्स आल्सो। थैंक यू वेरी श्योर, मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ थैंक्स। लॉट।